अगर आप छत पे आम का पौधा लगाना चाहते हैं, तो जो मैं आपको वैरायटी बोल रहा हूँ, तीन वैरायटी, ये तीन वैरायटी अगर आप छत गार्डन में लगाते हैं तो आपको जीरो मेंटेनेंस लगेगा, बिल्कुल भी कम खर्चा करना पड़ेगा और आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चाहे खाद हो पानी हो, काफ़ी कम रोग लगता है और देखभाल भी काफ़ी कम करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं आम का पौधा मैं छत पे लगा दूँ जिसमें बहुत ही ज़्यादा फल मिले, और फल के साथ साथ आप देखेंगे तो उसमें आप सोचेंगे कि फल मिले और साथ ही साथ उसमें जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी कम करना पड़े, तो आपके लिए तीन काफ़ी अच्छा वैरायटी है लेके आया हूँ। ये तीनों मैं छत पे लगाया हुआ हूँ, इसका रिजल्ट देखने के बाद भी मैं आपको बतला रहा हूँ जो आप लगा सकते, जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। और तीनों विदेशी वैरायटी है जो आपका छत पे काफ़ी इजी हो जाएगा और काफ़ी इजी आपको इसमें फ्रूटिंग भी करेगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो जो पहला नंबर पे आप जो ये देख रहे हैं, ये है बनाना मैंगो, जिसको ओरिजिनल नाम महाचनक के नाम से जाना जाता है, और ये महाचनक मैंगो ही है। हमारे इंडिया में इसको बनाना मैंगो के नाम से जाना जाता है, और इसको मैं एक साल भी अभी नहीं हुआ है, प्लांट में थोड़ा बड़ा लेके आया था मगर एक साल भी नहीं हुआ, मगर इसका जो आप ग्रोथ देखेंगे कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, और ये एकदम जीरो मेंटेनेंस है, मतलब बिल्कुल भी ना के बराबर इसमें मेंटेनेंस करना पड़ता है, और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। आप देख सकते कितना अच्छा इसका रिजल्ट आया है, जगह जगह से ब्रांचेस निकलता है, ना तो इसका मैं अभी तक प्रूनिंग करता हूँ और ना ही इसका कुछ किया हूँ, ऑटोमेटिक ये ब्रांचेस पे ब्रांचेस निकलता रहता है, और रोग तो बिल्कुल भी नहीं लगता इस जितना भी वेराइटी देखा हूँ, मगर ये बनाना मैंगो इतना अच्छा वेराइटी है कि इसमें थोड़ा भी रोग आपको नहीं लगता है। आप देख सकते इसमें बिल्कुल भी मुझे रोग लगने की शिकायत नहीं आया है, एक साल होने को आया है प्लांट में, और इसका जो आपका मेच्योरिटी दिखा देता हूँ, ये हमको कितना अच्छा इसका मेच्योरिटी हुआ है। देखिए इसका आपका मैं, आप देखिए दूर से मैं आपको दिखा दूँ तो 8-9 महीने हुआ है इस प्लांट का, और इसका देखिए तना कितना मोटा हो चुका है, एकदम आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा ये मोटा हो चुका है, और ये 12 इंच का ग्रो बैग में लगा हुआ है। बहुत लोग शिकायत करते हैं कि ग्रो बैग में आम का पौधा अच्छा रिजल्ट नहीं आता है या ग्रोथ नहीं होता है, तो आपके सामने मैं आपको रिजल्ट भी दिखा रहा हूँ कि देखिए 8-9 महीने का प्लांट है इसका, आप तना देखिए कितना मोटा हो चुका है, और ये ग्रो बैग में लगा हुआ है, 12x12 इंच का ग्रो बैग में लगा हुआ है, और इसका ग्रोथ भी आपको देख लिए कितना ज़्यादा इसमें ग्रोथ है, जीरो मेंटेनेंस है, काफ़ी कम खर्चा करना पड़ता है आपको, ऑर्गेनिक खाद जो आप घर पे बनाते हैं वो भी आप इसमें देंगे फिर भी इसमें फ्रूटिंग होगा। इस साल देखा जाए तो जो बनाना मैंगो था उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रूट सेट हो चुका था, मगर मैं एक भी फ्रूट लिया नहीं, इसी कारण इसमें ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हुआ है। इसमें जो फ्रूट कम से कम 8-9 फ्रूट सेट हो चुका था, आप सोचिए इस ये छोटा सा प्लांट में 8-9 फ्रूट सेट होना मतलब 4 किलो के आसपास हो गया था, मगर मैं सारा का सारा फ्रूट इसमें से कट कर दिया, और इस साल मैं लूँगा इसमें से फ्रूटिंग, इस साल मैं इसमें से फ्रूट लूँगा, क्योंकि ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा मैच्योर भी हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा घना भी है और काफ़ी अच्छा वैरायटी भी है। तो आप बनाना मैंगो अपने छत पे ज़रूर लगाइए, काफ़ी सस्ता प्लांट हो चुका है, अभी के डेट में आपका 100 रुपये में ही बनाना मैंगो मिल जाएगा, मगर मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप बनाना मैंगो का प्लांट लगाना चाहते छत गार्डन में, तो आप मेच्योर प्लांट ही लेके आइए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप छोटा प्लांट लेके आते हैं तो आपका रिजल्ट उतना अच्छा आएगा नहीं, हो सकता है प्लांट आपको अच्छी तरह से सर्वाइव काफ़ी कम करे, मगर आप मेच्योर प्लांट लेके आता है तो आपको काफ़ी अच्छा और काफ़ी जल्दी रिजल्ट आता है। तो मैं जो भी प्लांट लेके आता हूँ आमतौर पर मेच्योर ही प्लांट लगाता हूँ ताकि उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आए, और देख सकते हैं रिजल्ट। अब मैं आपको दूसरा जो लेके जाता हूँ, दूसरा आप ये देखिए, ये है इरविन मैंगो, एक अमेरिका का वैरायटी है, बहुत ही अच्छा वैरायटी है, और इसका नाम है इरविन मैंगो, और ये हैडन मैंगो का ओपन क्रॉस पोलिनेसर से इसको तैयार हुआ है, और ये काफ़ी अच्छा वैरायटी है, काफ़ी ड्रॉप वैरायटी होता है, इसमें भी आपका देखेंगे तो काफ़ी जीरो मेंटेनेंस है, बिल्कुल भी नाक के बराबर इसमें मेंटेनेंस करना पड़ता है, इसमें फ्रूट काफ़ी ज़्यादा सेट होता है, और फ्रूट का कलर है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इरविन मैंगो तो मेरे हिसाब से बोलूँगा तो आपको छत गार्डन में एक होना भी चाहिए, काफ़ी अच्छा वैरायटी है। इसका आमतौर पर सबसे ज़्यादा जो फार्मिंग जापान में करते हैं
और ये आपको इंडिया में मियाजाकी मैंगो के नाम से मिल बिकता है, और जापान में ईगोप्सन के नाम से भी माना जाता है और इरविन दोनों नाम से इसको जानते हैं। तो इरविन मैंगो के नाम से इंडिया में जो प्लांट मिलता है वो दूसरा प्लांट मिलता है जो इरविन पल पर मिलता है, मगर आप मियाजाकी के नाम से मांगेंगे तो आपको इरविन मैंगो का ओरिजिनल प्लांट मिल जाएगा। तो ये इरविन का ओरिजिनल प्लांट है और ये भी ऑनलाइन मंगाया था, काफ़ी अच्छा, ये भी मैच्योर प्लांट है। और बिग साइज़ का प्लांट में मंगाया था, मैं आमतौर पर जो भी प्लांट बिग साइज का ही मंगाता हूँ ताकि काफ़ी अच्छा रिजल्ट काफ़ी कम समय में मिल जाए। तो ये भी काफ़ी अच्छा वेराइटी है, काफ़ी बेस्ट वेराइटी है इरविन मैंगो, और इसमें भी रोग बिल्कुल भी नहीं लगता है और फ्रूटिंग काफ़ी अच्छा करता है, जीरो मेंटेनेंस है, ऑर्गेनिक में हो जाता है, आपको केमिकल खाद उद देने का, केमिकल पेस्टिसाइड देने का आपको कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो आपका जो भी ऑर्गेनिक खाद है उससे भी आपको काम चल जाएगा, पेस्टिसाइड भी ना, आप अगर नीम ऑयल का अच्छी तरह से स्प्रे करेंगे तो आपका पेस्टिसाइड भी आपको देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इरविन मैंगो भी आप अपने छत गार्डन होम गार्डन में लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा और बेस्ट वेराइटी ये भी माना जाता है। अब जो आपका जो तीसरा नंबर पे है वो है आपका, ये आप देख सकते हैं कार्टिमोन मैंगो, ये देखिए कितना बड़ा ये भी प्लांट है। और एक कार्टिमोन मैंगो तो आपको छत गार्डन होम गार्डन में होना चाहिए, एक ऑल टाइम वेराइटी होता है, हर साल इसमें फ्रूटिंग होता रहता है। और फ्रूटिंग के मामले में देखा जाए तो जो कार्टिमोन मैंगो है वो काफ़ी अच्छा वेराइटी है, इसमें फ्रूटिंग बहुत ही ज़्यादा सेट होता है, बस आपको थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। इसमें आपका रोग लगता है, 90% इसमें रोग नहीं लगता है, मगर 10% कभी कभार इसमें छोटा प्लांट रहता है तो रोग लगने की आपका संभावना हो सकता है इसमें। और ये आम बहुत ही अच्छा वेराइटी, अगर इसमें नीम ऑयल का आप समय समय पर स्प्रे करेंगे तो आप इसमें भी रोग बिल्कुल भी नहीं लगेगा और ऑर्गेनिक में ये भी हो जाता है। ये वेराइटी तो आपको छत गार्डन में होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वेराइटी है, ये एक लकी प्लांट भी माना जाता है। थाईलैंड में बहुत लोग इसको लकी प्लांट के भी नाम से लगाते हैं, और थाईलैंड में माना जाता है जो गेट के सामने दहेनी बगल से ये प्लांट को लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा, वहाँ पे सूप ये प्लांट को माना जाता है। तो कार्टिमोन मैंगो तो अभी के डेट में आपको छत गार्डन होम गार्डन में होना चाहिए, और ये भी बहुत ही अच्छा वेराइटी है कार्टिमोन मैंगो। तो ये तीनों प्लांट जो मैं बोला हूँ, ये तीनों प्लांट आप लगाइए, इसका रिजल्ट देखिए, तीनों का काफ़ी ज़्यादा ही रिजल्ट आता है और काफ़ी अच्छा वेराइटी है। तो मेरे हिसाब से कार्टिमोन हो गया, इरविन मैंगो हो गया, और दूसरा जो आपको मैं दिखा देते हैं बनाना मैंगो। वैसे देखा जाए तो मेरे पास अभी आम का 10-12 वेराइटी है, पर मैं जो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ शुरुआती तौर पे ये तीन वेराइटी आप लगा के देखिए, इसके बाद चौथा जो है थ्री टेस्ट है भी आप लगा सकते हैं, मगर थ्री टेस्ट मेरे पास है नहीं, मेरे पास जैसा पौधा चाहिए तो ऐसा मिला नहीं। थ्री टेस्ट वैसे ऑनलाइन मिल रहा है अभी बहुत सारा, पर मेरे को जैसा पौधा मैं सोचा हो जाए वैसा मुझे मिला नहीं, क्योंकि मैं ऑनलाइन जो भी प्लांट में मंगाता हूँ आमतौर पे पौधा मैं फ़ोटो देख के ही मंगाता हूँ, क्योंकि मैं मेच्योर ही पौधा आमतौर पे मंगाना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेच्योर जो पौधा होता है वो तो अच्छा रिजल्ट आता है। इसीलिए मुझे अभी थ्री टेस्ट का अच्छा प्लांट मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं अभी तक लिया नहीं, मगर थ्री टेस्ट मैंगो भी काफ़ी अच्छा वेराइटी है थाई का, जो होम गार्डनिंग रूफटॉप गार्डनिंग के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। और थ्री टेस्ट मैंगो में क्या खासियत है कि उसमें भी बिल्कुल भी रोग नहीं लगता है, माना जाता है वो बनाना मैंगो से भी अच्छा वेराइटी है रूफटॉप गार्डनिंग के लिए, क्योंकि ये बनाना मैंगो से भी ज़्यादा उसमें फ्रूट सेट होता है और रोग उसमें भी बिल्कुल भी नहीं लगता है और काफ़ी लेट वेराइटी है। तो थ्री टेस्ट भी आप अपने छत गार्डन में लगा सकते हैं, थ्री टेस्ट मेरे पास नहीं है इसलिए मैं उसका मैं अभी बतला नहीं सकता हूँ, मगर मैं सर्च किया जहाँ तक के तो मुझे मालूम पड़ा कि थ्री टेस्ट बहुत ही अच्छा वेराइटी है। तो थ्री टेस्ट अगर आपके पास लगाना है, अच्छा प्लांट मिलता है तो आप लगा सकते हैं, मगर बनाना मैंगो, इरविन और कार्टिमोन ये तीनों आपके लिए काफ़ी अच्छा रिकमेंड मैं करता हूँ विदेशी वेराइटी में, और काफ़ी अच्छा होता है। बनाना मैंगो इसका जो तो फ्रूट होता है काफ़ी अच्छा फ्रूट, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का जाता है, और इरविन मैंगो भी काफ़ी सुंदर वेराइटी है, कार्टिमोन भी एक बारहमासी बहुत ही अच्छा वेराइटी है और लकी प्लांट भी माना जाता है। तो ये तीनों में से आपको जो पसंद आता है आप अपने छत गार्डन होम गार्डन में लगा सकते हैं। ऐसा ही वीडियो पसंद आता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।